गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम एनेलिडा के बारे में, जो कि हमारा सिक्स्थ फाइलम है। इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से फाइलमों के बारे में पढ़ा है, तो पहला जो फाइलम था जो कि हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा था, वो पहला फाइलम जो हमारा था वो था फाइलम पोरीफेरा। दूसरा फिर फाइलम हमने पढ़ा सिलेंट्रेटा, तीसरा पढ़ा टीनोफोरा, फिर टीनोफोरा के बाद हमने पढ़ा प्लैटीहेल्मिन्थीस, प्लैटीहेल्मिन्थीस के बाद हमने पढ़ा एस्केहेल्मिन्थीस, और एस्केहेल्मिन्थीस के बाद ये जो हमारा नेक्स्ट है फाइलम एनेलिडा, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पूरे इस फाइलम से ही पूरे क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि फाइलम के कुछ कैरेक्टर्स बताइए, उसके मुख्य लक्षणों को बताइए, फाइलम एनेलिडा में कौन कौन से जंतुओं को पाया जाता है। तो एक इसमें शब्द आता है, अगर इसको हम अभी स्टार्ट करें तो एनेलिडा में एक आता है एने। तो एने जो है वो लैटिन शब्द किससे लिया गया है, एनुलस से लिया गया है। एनुलस एक लैटिन भाषा का एक लैटिन शब्द है। लैटिन भाषा अधिकतर जो होती है वो बोली जाती है कि ये साइंस की भाषा है, साइंटिफिक भाषा इसको बोला जाता है। तो एनुलस, एनुलस का मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग, लिटिल रिंग। एनुलस का मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग, मतलब छोटे छोटे गोल गोल छल्ले। अब छोटे छोटे गोल गोल छल्ले, जैसे ये एक आपका रिंग हो गया, ये रिंग जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये एक आपका एक रिंग हो गया, इस तरह से दूसरा रिंग हो गया, तीसरा रिंग हो गया, चौथा रिंग, फिफ्थ रिंग, सिक्स्थ रिंग, इस तरह से करते करते, अर्थात फाइलम एनेलिडा में पाए जाने वाले जितने भी सारे जंतु होते हैं उनका जो शरीर होता है वो छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। इसीलिए इस फाइलम का नाम क्या है, इस फाइलम का नाम है एनेलिडा। ये कहाँ पे उपस्थित रहते हैं, तो ये सब सबसे पहले बात है कि फ्री लिविंग रहता है। खुद ही सोचो, फाइलम एनेलिडा में आता है केचुआ, अर्थवर्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अर्थवर्म कहाँ पाया जाता है, आप देखोगे कि जब भी बारिश होती है, बरसात होती है, तो खेतों में से वो निकलता है, या कोई अगर आपके घर में अगर बगीचे वगैरह है तो उसमें से भी आपने अर्थवर्म को निकलते हुए देखा होगा। तो अर्थात ये फ्री लिविंग होते हैं, या आपके पानी के पास, पेड़ के पास, खेतों में कहीं भी दिखने को ये मिल सकते हैं। कुछ जो एनेलिडा होते हैं वो आपके एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक का मतलब है कि ये पानी में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो जोंक होता है, लीच होता है, वो अधिकतर पानी में दिखने को मिलता है। उसके बाद कुछ जो एनेलिडा के जो जंतु होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे अर्थवर्म क्या है, तो अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, अर्थात ऐसे जंतु जो कि स्थल के ऊपर पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर, इसका मतलब होता है स्थल के ऊपर पाए जाने वाले जंतुओं को। उसके बाद कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट नेचर के होते हैं, दैट मीन्स दूसरे जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और उनसे पोषण की प्राप्ति को करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने आपको क्या बताया कि फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा जो है, जो उसका एनेलिडा है, वो जो शब्द है वो लैटिन शब्द एनुलस से लिया गया है। एनुलस का मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग। तो बहुत सारी गोल गोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम आपस में जोड़ दें तो जैसे संरचना हमको मिलेगी उसी तरह की संरचना कुछ फाइलम एनेलिडा के जंतुओं में दिखने को मिलती है। उसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ्री लिविंग होते हैं, दैट मीन्स ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। देन ये एक्वाटिक होते हैं, मतलब ये आपको पानी में भी दिखने को मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल कुछ स्थल में भी पाए जाते हैं, और कुछ पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब ये है कि दूसरों के शरीर से चिपके हुए रहते हैं और ये दूसरों के शरीर से भोजन की प्राप्ति को करते हैं। अब इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। इससे पहले एस्केहेल्मिन्थीस में आपने पढ़ा, तो एस्केहेल्मिन्थीस से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो था वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का शुरू हो गया। इसको अगर मैं आपको अभी यहाँ पे बताना चाहूँ तो सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक। जो बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तो सेल के मिलने से क्या मिलता है, सेल के मिलने से टिश्यू बनते हैं। टिश्यूज जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनता है, टिश्यूज के आपस में मिलने से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन जब आपस में मिल जाती है तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है।
एक दूसरे में मिल जाती है तो बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, तो फाइलम पोरीफेरा में देखने को मिला आपको। टिश्यू लेवल पर अगर कोई आपसे पूछे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, तो सिलेंट्रेटा में दिखने को मिला और टीनोफोरा में दिखने को मिला। ऑर्गन लेवल पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ दिखने को मिला, तो प्लैटीहेल्मिंथ थीस में मिला। अब इसके बाद मतलब प्लैटीहेल्मिंथ थीस के बाद जितने भी सारे फाइलम आएंगे उसमें किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल के लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद इसके जो जंतु होते हैं उसमें सममिति होती है, वो बायलैटरल होता है। दैट मीन्स ये द्विपार्श्व सममिति के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र से होकर जाने वाली केवल एक ही ऐसी रेखा होगी जो जीव को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। उसके बाद क्या होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा, देखो रोज मैं एक ही चीज़ को आपके लिए रिपीट करती हूँ। ऐसा मैं क्यों करती हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इसके भ्रूण में तीन स्तर होंगे। पहला स्तर कौन सा होगा, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होगा, जो इसकी गुहा होगी वो सिलोमेट होगी। सिलोमेट का मतलब क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में मेसोडर्मिस की एक लेयर पाई जाएगी, जिसमें कि बॉडी के जो मेन ऑर्गन होते हैं वो उपस्थित रहेंगे। इसमें मेटावेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटावेरिक सेगमेंटेशन का मतलब समझो क्या होता है, अगर एक जैसे अंगों की पुनरावृत्ति बार 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 हो, तो इस तरह के सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं, या इस तरह के खंडन को हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मतलब समान अंगों की पुनरावृत्ति अगर बार बार होने लगे तो उसी को हम बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक तरह का अंग है, इसी अंग की पुनरावृत्ति यहाँ पे हो गई, इसी तरह की अंग की पुनरावृत्ति यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे होती जाती है। तो एक ही खंड की या एक अंग की, या इसको खंड बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, एक ही खंड की अगर पुनरावृत्ति बार बार हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक, उसके बाद इसका एक जंतु होता है जिसका नाम है नेरिस। जैसे अभी मैंने आपको अर्थवर्म बताया, लीच बताया, उसी तरह से नेरिस भी इसी फाइलम का एक जंतु है। तो नेरिस में क्या होते हैं, छोटे छोटे पैर पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे पैरों को हम बोलते हैं पैरापोडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका नेरिस है, ठीक है, तो इस नेरिस में क्या होगा, छोटे छोटे पैर पाए जाएंगे। तो इन छोटे छोटे पैरों को ही हम क्या नाम देते हैं, पैरापोडिया। पैरापोडिया इसके स्विमिंग में सहायक होता है। दैट मीन्स क्या, नेरिस एक एक्वेटिक जंतु है जो कि पानी में पाया जाता है, इसलिए इसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्पफुल होते हैं। स्विमिंग मतलब तैरना। उसके बाद इसमें नेफ्रिडिया पाया जाता है। नेफ्रिडिया जैसे फाइलम प्लैटीहेल्मिंथीस में फ्लेम सेल्स पाई जा रही थी। फ्लेम सेल का वर्क क्या था, ऑस्मो रेगुलेशन करना और एक्सक्रीशन में हेल्प करना, प्लैटीहेल्मिंथीस के फ्लेम सेल का काम था। उसी तरह से फाइलम एनिलिडा में नेफ्रिडिया पाई जाएंगी जो कि सेम वर्क करेंगी, क्या, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना। शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन मतलब होता है जो पानी की मात्रा अधिक हो गई है बॉडी में उसको बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। ये क्या होते हैं, डाइशियस प्राणी होता है। डाई मतलब दो और शियस मतलब बॉडी, अर्थात इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो लैंगिक अंग होते हैं, वो एक ही बॉडी में उपस्थित रहते हैं, इसलिए इसको हम डाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें पेयर गैंग्लिया पाए जाते हैं। पेयर गैंग्लिया यहाँ पे मैंने बनाया है, ये आपके दो इसमें गैंग्लिया होते हैं, दैट मीन्स इसके ब्रेन। ठीक है, हमारे पास जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन का क्या काम होता है, सोचना, समझना, चिंतन करना, उसी तरह से इसमें भी पेयर गैंग्लिया पाए जाते हैं जो कि लैटरल नर्व के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डॉर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये जो होती है वेंट्रल साइड में उपस्थित है। वेंट्रल साइड का मतलब होता है इसके शरीर के आगे के साइड में उपस्थित होती है, और आगे के साइड में एक डॉर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है जो कि लैटरल नर्व से जुड़ती है। लैटरल नर्व जो होता है वो दो गैंग्लिया को जोड़ने का काम करता है। तो ये पूरा पार्ट जो है ये इसका ब्रेन है। अर्थवर्म का जब
सेक्शन आपको करवाया जाता है, तो यही पार्ट, यही जो इसका गैंग्लिया वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट को निकालने के लिए बोला जाता है। ये बहुत ही हल्का सोफिस्टिकेटेड पार्ट होता है। जब इसका केचुए का डिसेक्शन करके जब इसको बाहर निकाला जाता है ना, तो ये इसके टूटने का इसका डर रहता है, ठीक है। तो बहुत ही हमें सावधानी के साथ इसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो ये था फाइलम एलिडा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या है ये फाइलम एलिडा? एलिडा का मतलब होता है एनुलस, मतलब लिटिल रिंग। जैसे रिंग को जोड़ने पर, एक दूसरे में जोड़ने पर जैसे संरचना हमको मिलती है, कुछ उसी तरह की संरचना इन जंतुओं में पाई जाती है। ये फ्री लिविंग होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल, सीरोमेट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, हिप्लोब्लास्टिक लेवल का इसमें बॉडी पूरा अरेंजमेंट होता है। इसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाया जाता है, दैट मीन्स एक ही खंड की पुनरावृत्ति बार बार होना। नैरिस में पैरापोडिया पाया जाता है जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, दैट मीन्स बंद प्रकार का। हाँ, इसको मैं शायद नहीं बताया। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो इसमें जो ब्लड होगा वो रुधिर वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होगा, ठीक। नेफ्रिडिया का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करना। ये डाइशियस है। डाइशियस का मतलब ये है कि जो इसके लैंगिक अंग होते हैं वो एक ही शरीर में उपस्थित रहते हैं, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होगा वो एक ही बॉडी में उपस्थित होगा, और इसमें पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाएंगे। अब मैं आपके सामने दो रखती हूँ जंतु को। ये देखो, ये आपका है, ये है आपका केचुआ। ये केचुआ एक्चुअल में सिकुड़ चुका है, इसलिए इसका कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरह का दिख रहा है। तो इसमें बॉडी में इसका पूरा मेटामेरिक ये सेगमेंटेशन को शो करता है। ये काफ़ी बड़ा केचुआ है। एंड कल मैंने आपसे पूछा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मैंने देखा था आप लोगों के द्वारा पूछा गया था। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट से पहले इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करो। देखो, ये है आपका फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग के सबसे पहले है, ये फ्रॉग के क्या है, ये फ्रॉग के एग्स हैं ना। ये फ्रॉग के एग्स जब थोड़े से बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद ये आ जाते हैं किसमें, लार्वल स्टेज में। देखो, फ्रॉग की जो लार्वा होती है उसमें टेल पाया जाता है, उसमें इसकी पूंछ पाई जा रही है। लेकिन एक्चुअल में जो आपका जो बड़ा वाला जो फ्रॉग होता है, जो एक्चुअल में जिसको हम फ्रॉग अर्थात मेंढक बोलते हैं, क्या उसमें पूंछ पाया जाता है? तो आपको दिखने को मिलेगा कि जो एक्चुअल का जो मेंढक होता है उसमें पूंछ नहीं पाया जाता, लेकिन इसके जो लार्वा है जिसको हम टैडपोल बोलते हैं, ठीक है, मेंढक के लार्वल अवस्था को उसको हम टैडपोल नाम देते हैं। तो उसके टैडपोल में पूंछ पाया जाता है, टेल पाई जाती है। तो इसमें क्या है, इसकी लार्वा अवस्था इसके एडल्ट से भिन्न है, अलग है। इस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर लार्वा एडल्ट के सेम हो तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बोलना क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।